और जो लोग अपनी लाइफ को लेकर के सीरियस नहीं है, उनको कुछ नहीं पता है क्या करना है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का दुखड़ा रो रहे हैं और जिंदगी में उन्हें नहीं पता है कि कैसे क्या करना है, वो पबजी प्लेयर्स हैं, वो टिकटॉकर्स हैं, तो वो लोग इस वीडियो को छोड़ करके भाग जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे फेसबुक पेज इंडियन आर्ट फेडरेशन में। इस वीडियो के अंदर मैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर चर्चा करने जा रहा हूँ। यदि आप एक आर्टिस्ट है तो डेफिनेटली आपको वो पता होनी चाहिए। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधा स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इस वीडियो के अंदर मैं बताने जा रहा हूँ कि आर्ट वर्क को आप सेल कैसे करते हो। सेल करने के यहाँ पे दो तरीके हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। मैं सबसे पहले आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि ऑफलाइन कैसे आर्ट वर्क सेल होता है। एक बेसिक तरीका जो कि बहुत ही ट्रेडिशनल तरीका है लोग किस तरह से सेल करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। ऑफलाइन अगर किसी को आर्ट वर्क चाहता है, अगर कोई पेंटिंग सेल करना, तो सबसे पहला उसका यही स्टेप्स होता है कि लोकल एग्जीबिशंस में आप जो है पार्टिसिपेट करें। अब ये एग्जीबिशन क्या होता है? एग्जीबिशन एक ऐसी जगह होती है, एक ऐसा कमरा होता है जहाँ पे अपने आर्ट वर्क को आप लोग डिस्प्ले करते हो। कुछ लोग आते हैं, आपके आर्ट वर्क को देखते हैं, एडमायर करते हैं, और अगर उन्हें ज़्यादा पसंद आ जाती है आपका आर्ट वर्क या पेंटिंग कुछ पसंद आ जाता है तो वो उसको खरीद भी लेते हैं। वो ऐसी जगह होती है, एग्जीबिशन उसे कहते हैं। लोकल हम क्यों वर्ड यूज़ कर रहे हैं? लोकल का मतलब आपके आसपास के एरिया में, ठीक है? आपके आसपास के एरिया में आप सर्च करोगे गूगल पे आर्ट गैलरी नियर बाई मी, ठीक है? ऐसे करके आप सर्च करोगे तो आप वहाँ जाके कॉन्टैक्ट करोगे, भाई मेरे को अपना आर्ट वर्क को डिस्प्ले करना है। तो वो लोग आपको बता देंगे कि भाई एग्जीबिशन कब होगा, फ्यूचर में कब वो एग्जीबिशन रखने जा रहे हैं या क्या फर्दर प्रोसीजर है। तो नियर बाई आर्ट गैलरी में जाके आपको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, गूगल से मिल जाएगा सब कुछ, ठीक है? तो वहाँ जाके आप अप्रोच करोगे, वो लोग सारा प्रोसीजर आपको समझा देंगे कि कब होगा क्या होगा। बाकी आपको अखबार वगैरह न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते रहना है ताकि आपको यदि कोई एग्जीबिशन ऐसी लगती है जहाँ पे आप अपने आर्ट वर्क को डिस्प्ले करो तो वहाँ आपको न्यूज़ मिल जाएगी। आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा, गूगल पे सर्च करते रहना है, न्यूज़पेपर्स पढ़ते रहना है, तभी आपको पता चलेगा। नियर बाय आर्ट गैलरी करके आप सर्च करोगे गूगल पे तो सारी आपको आर्ट गैलरीज मिल जाएंगी। आर्ट गैलरीज भी वही होती है जो लोग आपके आर्ट वर्क को खरीद सकते हैं और डिस्प्ले कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है? सो ये तरीका था कि ऑफलाइन हम एग्जीबिशंस में भाग लेकर के अपने आर्ट वर्क को सेल करवाते हैं। डिफरेंट डिफरेंट आर्ट गैलरीज होती हैं, बड़ी बड़ी इंडिया की आर्ट गैलरीज होती हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्री स्टेट्स के अंदर बेसिकली, जहाँ पर आप अप्रोच करते हो उन्हें अपने आर्ट वर्क को डिस्प्ले करने के लिए। लेकिन द थिंग इज कि यहाँ पे एक डिसएडवांटेज ये है कि कई सारी आर्ट गैलरीज जो है खाली एंटीक पेंटिंग्स को ही जो है डिस्प्ले करते हैं। अगर मॉडर्न जो अगर आप पेंटिंग बनाते हो तो वो लोग इतना डिस्प्ले नहीं करते हैं वो लोग। और उसके अलावा यहाँ पर आपसे बहुत ज़्यादा चार्जेस भी लिया जाता है अगर आप एग्जीबिशंस में डिस्प्ले करवाते हो तो। तो ये तो बात हो गई कि भाई एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट करने से हम जो है अपना हमारा आर्ट वर्क को ऑफलाइन सेल कर सकते हैं, ठीक है? और दूसरा तरीका होता है ऑनलाइन कैसे सेल करें। अगर आप ऑनलाइन सेलिंग करना चाहते हो तो वहाँ से आप किस तरह से सेल कर सकते हो पेंटिंग्स को बेसिकली। सो इसमें मैं आपको बता देता हूँ ऑनलाइन सेल करने का थोड़ा सा तरीका जो होता है, हालांकि अच्छा तरीका है, घर बैठे आपकी पेंटिंग सेल आप कर सकते हो, लेकिन थोड़ा उसमें आप कह सकते हो कि ईजी नहीं होता है। थोड़ा सा अगर दिमाग अगर आपका आउट ऑफ बोलते हैं माइंड चल रहा है थोड़ा सा, तो आप ऑफ ऑनलाइन को ढंग से समझ नहीं पाओगे। अगर आपको इंटरनेट के साथ खेलना नहीं आता है, अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं समझते हो बेसिकली, अगर इंटरनेट को आप अच्छे से यूज़ करना नहीं आता है आपको, तो फिर आप ऑनलाइन नहीं कर पाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल जो यंगस्टर होते हैं वो लोग तो थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं यूट्यूब से इधर उधर से कुछ ना कुछ करके, ऑनलाइन मार्केटिंग करके वो अपने आर्टवर्क को सेल करने का थोड़ा जुगाड़ कर लेते हैं। लेकिन जो थोड़े से बड़ी उम्र वाले हैं उनको अभी ये इंटरनेट वगैरह थोड़ा उससे फैमिलियर लोग नहीं हुए हैं, तो उनके लिए थोड़ी सी मुसीबत हो जाती है कि आर्टवर्क ऑनलाइन कैसे करें। वो ऑनलाइन का नाम सुनते ही घबरा जाते हैं, ठीक है? सो ऑनलाइन का नाम सुनते हैं, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो जियो का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, मतलब टाइम बदल रहा है, ठीक है ना? चीज़ें डिजिटलाइज हो रही है, मार्केट जो है अभी डिजिटली शिफ्ट हो रहा है सब कुछ, ठीक है? तो यहाँ पर मोबाइल्स में ज़्यादा लोग जो है अभी बिजी रहते हैं, तो अपन को ये सारा खेल समझना पड़ेगा। नहीं आता है तो सीखना पड़ेगा आपको, ठीक है? सो ये चीज़ आपको समझना है कि ऑनलाइन अभी सेल कैसे करें, तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो का मेन पर्पस यही है कि मैं आपको इसमें ये बताने जा रहा हूँ ऑनलाइन अपनी पेंटिंग्स को आप सेल कैसे कर सकते हो। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं ऑनलाइन पेंटिंग सेल कहाँ और कैसे करनी होती है, और हमारा पहला स्टेप क्या होना चाहिए यदि आप अपने आर्टवर्क को सेल करना चाहते हो ऑनलाइन, ठीक है? तो एक यहाँ पर भी ट्रेडिशनल तरीका होता है जो कि सब लोग फॉलो करते हैं, जो कि एक कॉमन तरीका होता है अगर किसी को ऑनलाइन अपने आर्टवर्क को सेल करना होता है। क्या करता है, अगर मैं जैसे सपोज कोई आर्टिस्ट हूँ और मैं चाहता हूँ कि मुझे ऑनलाइन पेंटिंग सेल करनी है, तो मैं क्या करूँगा?
मेरा सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए, मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं फेसबुक यूज करता हूं तो मैं फेसबुक पे अपना एक पेज क्रिएट करूंगा, ठीक है। देर इज अ डिफरेंट, एक तो आपकी आईडी होती है जिससे आप पूरी दुनिया से चैटिंग करते हो, लोगों की फोटोज वगैरह लाइक करते हो, एक फेसबुक पे होता है पेज। अब पेज क्रिएट करना सबसे पहले आपको आना चाहिए, कोई तामझाम नहीं है, ज्यादा सिंपल सा होता है, लेकिन कई लोगों को ये भी समझ नहीं आएगा कि पेज कैसे क्रिएट करते हैं, सो वो हम आपको बता देंगे अगर आप रिक्वेस्ट करोगे कमेंट में कि भाई पेज कैसे क्रिएट करते हैं। क्योंकि सबसे पहला स्टेप यही है कि आपको अगर ऑनलाइन पेंटिंग सेल करनी है, आप चाहते हो इंटरनेट के जरिए आपकी पेंटिंग सेल हो जाए, घर बैठे सेल हो जाए, तो वहां पे सबसे पहला स्टेप होना चाहिए कि यू हैव टू क्रिएट अ पेज ऑन फेसबुक, ठीक है। फेसबुक पे क्रिएट करना है। मैं फेसबुक पे इतना इसलिए फोकस कर रहा हूं क्योंकि इंस्टाग्राम से लोग इतना फैमिलियर नहीं है जितने कि फेसबुक से है, ठीक है। सो आपको फेसबुक पे पेज क्रिएट करना होगा, ठीक है। अगर आप ज्यादातर लोग फेसबुक ही यूज करते हैं, दैट्स व्हाई मैं आपको बोल रहा हूं, फेसबुक पे पेज क्रिएट करो, नंबर वन पहला स्टेप फेसबुक पे पेज क्रिएट करो, ठीक है। नहीं आता है तो सीख लो, कहीं से भी जुगाड़ करके फेसबुक पे पेज क्रिएट करना है आपको। उसके बाद क्या होता है, ठीक है, फेसबुक पे पेज तो क्रिएट सब कर लेते हैं लेकिन इसके आगे की चीज लोग कर नहीं पाते हैं, ठीक है। फेसबुक पे पेज क्रिएट करने के बाद आपका जो पहला स्टेप ये होना चाहिए कि अपने आर्ट वर्क्स को फेसबुक पे शेयर करो, जो पेज आपने क्रिएट किया उस पर अपलोड करो, दिखाओ, दिखावा करना पड़ेगा आपको, ये दिखावे का जमाना है बेसिकली। गुपचुप कमरे में बंद रहोगे तो कोई मतलब नहीं है, दिखावा तो करना पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट अपने आर्टवर्क का करना पड़ेगा। बोलते हैं ना कि अगर दिखोगे नहीं तो बिकोगे नहीं, बेसिकली अगर आपकी पेंटिंग दिखेगी नहीं तो बिकेगी कैसे बेसिकली। सो फेसबुक पेज बनाना है और उस पर आर्टवर्क डालना है। हर रोज आप आर्टवर्क डालोगे, एक दिन में नहीं डालोगे, एक दिन में 50 के 50 आर्टवर्क डाल दिए, नहीं, आपको एवरीडे एक एक आर्ट करके डालना होगा। क्योंकि मैं फेसबुक पेज क्रिएट करता हूं, मुझे पता है कि यहां पर इसका एल्गोरिथम कैसे वर्क करता है। सो आपको यहां पर हर रोज एक पेंटिंग अपलोड करनी है, एक एक करके आप अपलोड करोगे और उस पेंटिंग को पेज पे अपलोड करने के बाद डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे शेयर करोगे, डिफरेंट डिफरेंट आर्ट ग्रुप्स में शेयर करोगे। अब ये आर्ट ग्रुप्स क्या चीज़ होती है, फेसबुक पे आप सर्च करते हो तो फेसबुक पे एक ऐसी दुनिया होती है जो कि ऐसा ग्रुप होता है जो कि सिर्फ आर्टिस्ट लोग ही होते हैं उसमें, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट आर्ट ग्रुप्स होते हैं, वहां पे जाकर के शेयर करोगे अपने पेज पे, सबसे पहले अपने आर्टवर्क को डिस्प्ले करोगे और पेज के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में अपने आर्ट को शेयर करोगे, दिखाओगे बेसिकली कि मैं एक आर्टिस्ट हूं। तो आपका यहां से फायदा क्या हो, यहां से आपकी प्रेजेंस पता चली कि भाई आप एग्जिस्ट करते हो, कि ये पर्टिकुलर नाम का आर्टिस्ट है इस दुनिया में जो कि पेंटिंग बनाता है, इसका एक पेज है, दुनिया को पता चलेगा। कहने का मतलब फेसबुक के जरिए आपको थोड़ा सा अपना नाम बनाना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। अगर आपका नाम नहीं है तो यहाँ पर कोई पैसा भी पे नहीं करेगा, कोई आपकी पेंटिंग को खरीदेगा भी नहीं, तो नाम बनाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नाम कैसे बनेगा, अपलोड करो, रेगुलर आर्टवर्क को ड्रॉ करते जाओ, नई नई पेंटिंग्स बनाते जाओ और अपने फेसबुक पेज पे डालते जाओ और उसको शेयर करते जाओ, दुनिया से शेयर करो, यहाँ वहाँ शेयर कर दिया। शेयर भी आपको बहुत ज़्यादा नहीं करना है, एक दिन में शेयर की भी लिमिट होती है यहाँ पे, तो लोगों को पता नहीं होता है। शेयर भी आप ज़्यादा से ज़्यादा दो बार करें, एक पेंटिंग डाल दी एक दिन में, उसको दो जगहों पे शेयर कर दिया, दो ग्रुप्स में शेयर कर दिया। कई लोग पता नहीं क्या करते हैं, वो पेंटिंग पे पेंटिंग डालते जाते हैं, एक ही दिन में 50 पेंटिंग डाल दी और उसको 50,000 ग्रुप में शेयर कर दिया, उससे कोई मतलब नहीं है। आपका फेसबुक जो है आपकी रीच को खत्म कर देता है। सो खाली एक दिन में आपको एक पेंटिंग आपके पेज पे अपलोड करना है और उसे शेयर करना है 2 या 3 ग्रुप्स में, ठीक है। ग्रुप्स क्या होता है, वो ग्रुप्स फेसबुक पे सर्च करोगे ना आप, फेसबुक पेज पे फेसबुक पे सर्च करो आर्ट ग्रुप्स, डिफरेंट डिफरेंट आर्ट ग्रुप्स आपको दिख जाएंगे। एक ऐसी जगह जहां पर सिर्फ आर्टिस्ट लोगों का एक सेपरेट ग्रुप बना होता है, फेसबुक पे ही होते हैं सारे ग्रुप्स, आपको पता नहीं है तो सर्च कर लीजिएगा। फेसबुक एक बहुत बड़ी शक्ति है हमारे पास जहां से हम अपने आर्टवर्क को सेल कर सकते हैं, ठीक है, और यहां से आप अपना नाम भी बना सकते हो। सो यही बात है कि दूसरा स्टेप यही है कि नाम बनाओ और शेयर करो, यही तरीका होता है, बेसिक तरीका, पेज क्रिएट करो और उसको अपने आर्टवर्क को डालते जाओ, शेयर करते जाओ, डेफिनेटली कोई ना कोई खरीद लेगा आपकी पेंटिंग को यहां से। और कृपा करके कई लोग ऐसे हैं कि जो कि पर्सनल आईडी पे अपना अपलोड करते हैं, दोस्तों पर्सनल आईडी पे आप अपलोड ना करें। पर्सनल आईडी के अलावा आपका एक फेसबुक पेज होना चाहिए जहां पे सिर्फ आप अपने आर्टवर्क को शेयर करते हो, ठीक है। सो सिर्फ आपको एक पेज ही क्रिएट करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना, खाली पेज क्रिएट करो, अपने आर्टवर्क को डेली शेयर करो। आर्टवर्क को आप पहले पेज पे डालोगे, पेज के थ्रू जो है आप डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में शेयर करोगे, ठीक है। आप सर्च करके देख लीजिए, एक्लेरिक आर्टिस्ट ग्रुप, स्केच आर्टिस्ट ग्रुप, आर्ट वर्ल्ड, इस तरह से बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं, ठीक है। सो उनको आप ज्वाइन करोगे, रिक्वेस्ट सेंड करोगे, हो जाएगा आपका। और डीप नॉलेज चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा और भी जानना चाहते हो आप, मेरे बारे में जानना चाहते हो, यदि आपको स्टिल कुछ समझ में नहीं आया और अभी भी आपको कुछ डाउट्स है,
आर्ट से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, तो मुझे एनी टाइम आप कॉल कर सकते हो। इस वीडियो में खाली मैंने इतना बताया कि आर्ट को सेल करने का तरीका क्या होता है ऑफलाइन और ऑनलाइन, ठीक है। डिटेल में और भी ज़्यादा मैं और भी फर्दर वीडियोज़ डालता रहूँगा। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। अगर ये फेसबुक पेज पे आप ये वीडियो देख रहे हैं तो उसको हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। ऑल द बेस्ट।